नमस्कार, आपका स्वागत है वेब दुनिया की खास बातचीत में। और हम बात कर रहे हैं रोहन देशपांडे की माता जी अनका कलवड़े से। नमस्ते, पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ वेब दुनिया में। नमस्ते। और रोहन के बारे में हम बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगी कि आखिर किस तरह का बैकग्राउंड मिला है रोहन को पहले, और आपके बारे में कुछ बताइए। जरूर। सो जैसे आपने कहा, मेरा नाम अनका कलवड़े है। मेरी स्कूल में शिक्षा जो थी वो चोइथराम स्कूल में हुई, और उसके बाद मैं GSITS में इंजीनियरिंग किया 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। और मैं मास्टर्स करने अमेरिका गई, और मास्टर्स में मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और BLSR टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करके पिछले 20 साल से सिनॉप्सिस में टेक्नोलॉजी में हाई चिप लेवल डिजाइन में काम कर रही हूँ। ओके। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसका श्रेय माता को जाता है, सबसे पहले माँ को जाता है, तो रोहन की इस ऊंचाई का श्रेय भी डेफिनेटली आपको ही जाता है। आप कैसा महसूस करती हैं रोहन की इन उपलब्धियों पर? बहुत प्राउड फील करते हैं हम लोग, और मेरे पति जो है वो प्रोफेसर हैं, मैं उन्हें भी बहुत बड़ा श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो बहुत एकेडमिक फैमिली है। उनका एजुकेशन IIT बॉम्बे में हुआ, और वो मास्टर्स करके PhD किया उन्होंने, और अब वो प्रोफेसर हैं UNC में, मैनेजमेंट सिखाते हैं। और उनकी परवरिश भी, पढ़ाई में काफ़ी इंक्लिनेशन है, पर रिसर्च में इंक्लिनेशन होने के कारण घर में वातावरण जो है वो साइंटिफिक रिसर्च ये रहा है। ओके। तो रोहन को शुरू से ही घर में वातावरण ही उस टाइप का मिल पाया है, तो डेफिनेटली अब तक के रोहन के सफर में किसी तरह की परेशानी नहीं आई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि माता और पिता दोनों ने मिलके, जैसे वीकेंड पे हम वहाँ पे साइंस म्यूजियम्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे आप हैंड्स ऑन साइंस सीख सकते हैं, तो बचपन से ही हम लोग वहाँ ले जाते थे रोहन को। लाइब्रेरी का इसने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत किताबें पढ़ता था। और जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि इसका किस में इंटरेस्ट है, तो हमको पता चला था कि इसको लेगोज में बहुत इंटरेस्ट है और हैंड्स ऑन चीज़ों में। तो तीसरी में इसका लेगो रोबोटिक्स में स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन पे जीता था, तब समझ में आया कि इसको हैंड्स ऑन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आती है। और उसके बाद वो चीजें खरीदते गए, उस चीज को एक्सपोजर मिलता गया, और बस बात बढ़ती गई। ओके। वातावरण और संस्कार का तो प्रभाव बच्चे पे पड़ता ही है, लेकिन कुछ उसकी खुद की प्रतिभा होती है, तो और ऐसा भी कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो क्या रोहन के मामले में भी ऐसा कुछ था? मुझे लगता है कि केवल जेनेटिक नहीं, एनवायरमेंट बराबर जो मिलना चाहिए वैसा रोहन को जरूर मिला। हम लोग पिछले 5 साल से चैपल हिल में रह रहे हैं, उसके पहले पर्डी यूनिवर्सिटी में थे, तो यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट जो रहता है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी एकेडमिक एनवायरनमेंट रहता है। और चैपल हिल में मूव होने के बाद पता चला कि वहाँ पे वैसा इतना एनवायरनमेंट नहीं था, तो एक माता होने के कारण मेरी पूरी पहले 2 साल ये कोशिश रही कि कैसे मैं इसको वो सब दे सकूँ। तो साइंस ओलंपियाड की एक कंपटीशन रहती है, उसका फिर मैंने कोचिंग शुरू किया, और उद्देश्य ये था कि केवल रोहन ही नहीं और भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो पहले साल हमें कुछ 26-27 बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए, और फिर अगले साल इतने ज़्यादा लोग आ गए थे कि 2-3 साल में 120-130 बच्चे उस कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व हो गए थे। तो रोहन उसको जिस जिस चीज में इंटरेस्ट था वो चीज हम करते गए। ओके। मतलब उसके इंटरेस्ट के अनुसार आप लोग आगे बढ़े। बिल्कुल। तो जब बच्चा कोई नई चीज करता है, वो स्कूल में या घर में या कहीं बाहर भी जब कुछ सीख रहा होता है, उसकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो वो अपने बड़ों से पूछता है, और घर में पर्टिकुलर कोई व्यक्ति होता है जो उसे गाइड करता है, परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो उसे आगे बढ़ाता है, तो आप दोनों के मामले में, आपके हस्बैंड एंड आप, कौन ज्यादा इसे गाइड करने में आगे रहा? जहाँ तक साइंस या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, शायद मैं उसके साथ ज़्यादा थी, पर रिसर्च ओरिएंटेड या जब जो लिखान बोलते हैं, जैसे पिछले साल और इस साल रोहन ने जो कॉम्पिटिशन जीती हैं उसमें इसने 70 से 90 पेज के रिसर्च पेपर लिखा, वो डेफिनेटली मेरे हस्बैंड ने उसे सिखाया कि कैसे इतना लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रोफेसर होने के नाते उनको पता है कि कितना लिखते हैं और कैसे लिखना चाहिए, साइंटिफिक पेपर कैसे लिखा जाता है। तो गाइडेंस दोनों तरफ से मिला है,
पर हैंड्स ऑन साइंस जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है और बचपन से मैं रोहन के साथ काफ़ी चीज़ें करते आ रही हूँ। ओके, यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या रोहन खुद अपने जीवन के कुछ निर्णय लेता है या उसके सारे डिसीजन आप लोगों के होते हैं, मतलब पेरेंट्स के होते हैं? नहीं नहीं, अमेरिका में मैक्सिमम डिसीजन बच्चे लेते हैं, हम केवल फॉलो करते हैं। पर जहाँ तक है सही या गलत जो डिसीजंस हैं, तो एक परिवार होने के नाते सब सामूहिक चीज़ें ली जाती है। पर जैसे किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, कौन से प्रोजेक्ट करना है, सब वो डिसाइड करता है। अमेरिका में स्पून फीडिंग बहुत कम है और प्रोजेक्ट्स भी जो बच्चे को पसंद है वही चीज़ें वो डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स का बहुत कम ये रहता है। पर ऑफकोर्स गाइडेंस जब आता है, जैसे कहीं अटक गए हैं आप तो अपन बता सकते हैं कि ये चीजें अवेलेबल है, आप ऐसे कर सकते हैं। रोहन के लिए भविष्य की क्या योजनाएं अभी तक बनाई गई हैं? हमने नहीं, रोहन ने खुद ने बनाई है। तो अभी रोहन 11th ग्रेड में गया है, तो अभी 2 साल और हैं उसको। यही जैसा है 10+2 जैसा रहता है ना सिस्टम, तो 2 साल के बाद अभी तक उसका कहना है कि उसे इंजीनियरिंग में जाना है। और उसके अभी तक के जो 3 फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो इन 3 चीज़ों में उसको किसी तो भी चीज़ में वो कुछ करने वाला है। और उसको एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंटरेस्ट है, सो खुद का बिजनेस सेटअप करना। अभी ही इज फाइलिंग फॉर अ पैटेंट, तो देखो। रोहन की अब तक की जो उपलब्धियां रही, निश्चित रूप से एक माँ होने के नाते सारा श्रेय आपको जाता है। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा अनघा जी। बहुत बहुत शुक्रिया वेब दुनिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।